उसके बाद मैं अपनी जॉब खो चुका था। तो कौन कौन सी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रंट एंड डेवलपर के लिए? काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए दिक्कत की थी कि एज अ इस फील्ड में एज अ फ्रेशर मैं कैसे जा पाऊंगा। तो जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो आपका पूरा ये इंटरव्यू प्रोसेस क्या था? अगर आपको बहुत अच्छा ग्रोथ करना है तो आपको हेलो बाबा। तो बाबा आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा यार आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल होने वाली है, क्योंकि जो हमारे गेस्ट है रंजीत सर, उन्होंने यार कंप्लीट नॉन सीएसई बैकग्राउंड से ट्रांजिशन लिया एज अ फ्रंट एंड डेवलपर का। तो उनने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी, कैसे उनको रिजोल्व करा, क्या क्या चैलेंजेस आए, वो सभी चीज अपन डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू प्रोसेस पूरा क्या था, क्या क्या रिसोर्सेस पढ़ने थे। तो चलिए आज यार हम लोग रंजीत सर से बात करते और समझते कैसे आप लोग भी यार बाबा फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है। हेलो रंजीत सर, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो ग्रेट ग्रेट। तो अपन पहले ये देखते हैं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, आपका पहले क्या बैकग्राउंड चल रहा था वो जानते हैं। जी मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है सीएस से बिलोंग नहीं करता, बेसिकली अच्छा मैं मैथ से बिलोंग करता हूँ। ओके तो मैंने बीएससी मैथमेटिक्स से किया हुआ है, सो ये मेरे लिए एक नया फील्ड था। सो आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करी थी, बट वहाँ पर मुझे सक्सेस नहीं मिली। ओके ओके। तो आपने से ये आप बीएससी मैथमेटिक्स से थे है ना, राइट? तो बीएससी यस मैथमेटिक्स से आपने ये आईटी इंडस्ट्री में आने का क्यों सोचा, मतलब कब आपने ये सोचा कि मुझे आना चाहिए? ये जब एक्चुअली आफ्टर गवर्नमेंट एग्जाम मैंने अनअकैडमी पर टीचिंग करना स्टार्ट किया था, बट वहाँ पर ले ऑफ वगैरह हुए, उसके बाद मैं अपनी जॉब खो चुका था। तो फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मुझे एक सिक्योर फील्ड ज्वाइन करनी चाहिए। सो मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट भी काफ़ी था, मेरे कुछ दोस्त वगैरह थे जो इस फील्ड में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, मुझे काफ़ी बार बताते रहते थे और काफ़ी मैं इनसे इंस्पायर भी था। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे आईटी सेक्टर में एंट्री लेनी चाहिए। अच्छा, तो आपको जैसे क्या डिफिकल्टीज आई थी जब आपने सोचा कि चलो अब मैं आईटी में जा रहा हूँ, क्योंकि आपका कोई सीएस बैकग्राउंड नहीं, आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है? उस समय डिफ़िकल्टीज ये थी कि मेरे पास 0% नॉलेज था। काफ़ी लोग मुझे एडवाइस कर रहे थे कि आप ये करो आप ये करो, वो अपने हिसाब से चीज़ों को बता रहे थे कि आज मार्केट में ये चल रहा है वो चल रहा है, बट एज अ फ्रेशर और मेरे लिए काफ़ी टफ हो पा रहा था कि मैं किस चीज़ को चॉइस करूँ। बिल्कुल। मैंने जो फ्री ऑफ सोर्स सबके लिए है यूट्यूब, मैंने उस पर सर्चिंग स्टार्ट करी, काफ़ी वीडियोस काफ़ी यूट्यूबर्स को फॉलो किया, बट वहाँ पर एक कंप्लीट नॉलेज नहीं थी। और एक चीज़ की सिर्फ पढ़ना ही नहीं था, मुझे जॉब भी चाहिए थी। तो उसके लिए एक ऐसी चीज़ की सर्चिंग चालू थी कि कोई मुझे जॉब और इंटरव्यूज़ के लिए लाइक प्रेफर कर सके। अच्छा ओके। तो एज अ एक फ्रंट एंड डेवलपर आपने जब सोचा कि मेरे को फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, तो आपके हिसाब से कौन कौन सी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रंट एंड डेवलपर के लिए एक जॉब लेने के लिए? देखिए फ्रंट एंड डेवलपर के लिए काफ़ी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल होती है, जैसे मैं बात करूँ तो आपको HTML और CSS ये बेसिक है जो आपको आना ही चाहिए आप फ्रंट एंड डेवलपर के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा ठीक आप है। बूट स्ट्रैप में जा सकते हैं, क्योंकि जो साइट होती है जो वेबसाइट्स वगैरह बनती हैं वो रिस्पॉन्सिव के लिए बूट स्ट्रैप का हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। बट ठीक अगर आपको बहुत अच्छा ग्रोथ करना है तो आपको जावा स्क्रिप्ट लाइक फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज पर काम करना पड़ेगा। तो मैंने जावा स्क्रिप्ट पर काम किया एंड उसके बाद रिएक्ट पे, एंगुलर, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फ्रंट एंड में काम कर सकते हो। अगर आप लाइब्रेरीज वगैरह आपको स्टार्ट करते हो तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा ओके। तो बेसिकली आपने बोला कि HTML CSS आना ही चाहिए, बेसिक हमारा प्राइमरी बिल्डिंग हाँ है, उसके बाद आप जी जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं, रिएक्ट सीख सकते हैं, फ्रेमवर्क सीख सकते जी हैं। जी 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 बिल्कुल ओके ओके गॉट इट। तो इसके अलावा आपको ऐसी कोई एक स्किल लगी हो जो आपने सीखी लेकिन अब आपको इतना ज़्यादा काम नहीं आ रही हो? इसमें काफ़ी स्किल्स थी जो मैंने कहा था कि मैंने यूट्यूब से सीखी जैसे, लेकिन वो काम नहीं आ रही। जैसे मेरे दोस्तों ने बताया कि जावा सीखो, जावा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ने कहा पाइथन सीखो, पाइथन इंपॉर्टेंट है, बट ये हाँ मुझे पता नहीं था कि ये बैकग्राउंड जो होता है बैकएंड में काम आती है लैंग्वेजेस। हाँ मैंने PHP भी सीखा, काफ़ी लैंग्वेज थी जो मैं पढ़ता रहा, बट यहाँ पर कुछ समझ ना आने के कारण मैंने बीच बीच में ड्रॉप करता गया हर चीज़ को। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया ना, मैं उन चीज़ों को पूरी तरीके से सीख पाया ना ही मैं छोड़ पाया, तो एक आधा अधूरा ज्ञान मेरे पास रहा है उन चीज़ों का बस। तो आपके हिसाब से मतलब ऐसे मल्टीपल लैंग्वेज में नहीं घुसना चाहिए, आपको पता रहेगा यदि नहीं फोकस करोगे तो फिर सही रहेगा? जी 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 आपका अगर फोकस क्लियर है कि आपको फ्रंट एंड जाना है, जो फ्रंट एंड में काम आती हैं लैंग्वेजेस उन्हीं को काम करिए,
जर्नी स्टार्ट करी जहाँ पे आप एकदम जीरो थे और अब आपके पास एक फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब है। यहाँ पे जर्नी लाइक मैंने सबसे पहले जो किया था, जैसे सब लोग करते हैं नॉर्मली, अगर कोई भी चीज़ सर्च करनी हो सबसे पहले यूट्यूब खोला जाता है। यूट्यूब खोला सो उस पर बहुत सारे टीचर्स मुझे मिले, तो उन्होंने ही मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बट मुझे कन्फ्यूज़न काफ़ी था कि मैं क्या क्या सीखूँ क्या। तो उसके बाद फिर मैं एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पर गया अपने ही होम टाउन में, तो उन्होंने ही मुझे वही चीज़ें बताई जो YouTube पर थी, बट प्लेसमेंट की गारंटी कहीं से नहीं थी कि प्लेसमेंट आपको दिलाया जाएगा, सारी चीज़ें होंगी। एंड काफ़ी समय के बाद में मैंने, मेरे ब्रदर ने भी मेरी हेल्प करी काफ़ी, और उन्होंने मुझे वोडन स्कूल ढूंढ कर दिया कि अच्छा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके लिए कि जो आपकी प्रिपरेशन भी कम्प्लीट करा रहा है और साथ में आप लोगों को इंटरव्यूज़ की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करा रहा है। और यहाँ पर ये भी नहीं था कि मैंने डिस्कस किया था ओडियन स्कूल से कि इंटरव्यूज़ किस तरीके से होंगे, तो उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें हम लोग कवर कराएंगे आपको, और साथ में जो रहेगा कि आपके लिए नंबर ऑफ इंटरव्यूज़ नहीं है कि आप कितने भी इंटरव्यूज़ दे सकते हो, इसकी कोई टेंशन नहीं है जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो उसके बाद मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, हाँ कि कोई तो मिला जो मुझे इस फील्ड में एंट्री दिला सकता। अच्छा, तो आपको कैसा लर्निंग था, मतलब क्या चीज़ें आपने सीखी, कैसा हुआ था फिर? मैंने इसमें, क्योंकि मैंने एज अ फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स ज्वाइन किया, सो मुझे उसमें जो सिखाया गया था वो कोर जावा का सिखाया गया, बैकएंड के लिए कि लैंग्वेज एक ज़रूरी है, तो वो बैकएंड के लिए हम लोगों ने वो सीखा। एंड उसके बाद MySQL एक आता है डेटाबेस, तो उसको कवर किया था फिर मैंने। एंड उसके बाद मैंने HTML, CSS, Bootstrap और JavaScript, ये हुआ। बट फिर मार्केट में जो डिमांड थी रिएक्ट की, कि रिएक्ट के बिना कोई नहीं ले रहा, तो ओडन, हमारा कोर्स एंड होने के बावजूद भी ओडन स्कूल के द्वारा रिएक्ट की अलग से क्लासेस लगाई गई, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और जो मेरा सिलेक्शन भी हुआ वो रिएक्ट बेस के प्रोजेक्ट पर ही हुआ, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, ओके, ठीक है। तो जैसे आपका सिलेक्शन हुआ, तो आपका पूरा ये इंटरव्यू प्रोसेस क्या था, क्या क्या राउंड्स थे, कितने राउंड थे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? लाइक ये तो जरूरी नहीं है कि पहली बार में आपका इंटरव्यू निकले, और ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मेरा पहली बार में इंटरव्यू नहीं निकला, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज दिए, मैं ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए भी गया, वहाँ पर इंटरव्यू दिए, वहाँ पर पहले जो मेरा इंटरव्यू हुआ वो एज अ लाइक अ टेस्ट हुआ था, तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, बट फिर भी वहाँ पर जो देखा गया एक्सपीरियंस लोगों को हायर किया गया। अच्छा, तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए दिक्कत की थी कि एज अ इस फील्ड में एज अ फ्रेशर मैं कैसे जा पाऊँगा। सो फिर जो मेरा इंटरव्यू हुआ जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ वो इस तरीके से हुआ, उसमें तीन राउंड हुए थे। जिसमें फर्स्ट राउंड HR राउंड हुआ था, जिसमें बेसिक क्वेश्चन आपके पूछे गए मेरी नॉलेज के हिसाब से, और साथ में जो है नॉर्मली आपका चीज़ें पूछी गई कि आपको वर्क प्रेशर को किस तरीके से हैंडल कर सकते हो, आप टीम के साथ वर्क करना चाहोगे या अलोन करते हो, किस तरीके से काम करोगे, तो ये कुछ क्वेश्चंस हुए। और साथ में जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने कोर्स किया, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे। क्वेश्चंस कैसे, मतलब HR राउंड में टेक्निकल क्वेश्चन थे कुछ? कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस थे जो मेरी इस कोर्स से रिलेटेड थे, कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड थे, और कुछ जो आपके नॉर्मली आपकी नॉलेज पर डिपेंड क्वेश्चन थे, उस तरीके के क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे। Okay. फिर उसके बाद में मेरा जो सेकंड राउंड हुआ वो एक टेक्निकल राउंड था, सेकंड और थर्ड राउंड टेक्निकल राउंड थे, जिसमें मेरा सेकंड राउंड में मेरे से जो पूछा गया था वो पूछा गया प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन किया गया कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए। तो मैंने दो तीन प्रोजेक्ट्स कवर करे हुए थे, जिसमें फुल वेबसाइट विद लॉग इन एंड लॉग आउट थी, एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट था और एक प्रोजेक्ट और जिसको मुझे एक्सप्लेन करना था, मैंने एक्सप्लेन किया। थर्ड जो राउंड हुआ था वो मेरा कंपनी के CEO के साथ हुआ था, जो उन्होंने जो सिर्फ चीज़ सर्च करी वो ये देखना चाहते थे कि कॉन्फिडेंस क्या है आपका, आपका अगर कॉन्फिडेंस अच्छा है, लैंग्वेज डजेंट मैटर, बट आप अगर एक्सप्लेन कर पा रहे हो चीज़ों को तो वो बहुत अच्छा था कंपनी के लिए भी। तो वो मेरा तीसरा राउंड था, उसके बाद सिलेक्शन हुआ फिर। क्या बात। तो आपको ऐसा कौन सा पार्ट लगा, जैसे आपने इतने सारे स्किल सीखे कि उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे या वो बहुत ज़्यादा वेटेज है उसका? एक्चुअली मैंने फ्रंट एंड डेवलपर के लिए वो किया था, तो जैसा कि मैंने बताया था कि रिएक्ट आज के समय में बहुत ज़्यादा चल रहा है, रिएक्ट JS, तो रिएक्ट JS से काफ़ी क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए, उसका फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर होता है रिएक्ट का, तो वो मुझसे ज़्यादा पूछा गया, जिसमें package.json एक फाइल आती है उसके बारे में मुझसे पूछा गया। एंड JavaScript के कुछ क्वेश्चंस थे वो पूछे गए।
HTML CSS के बेसिक क्वेश्चंस थे वो नॉर्मली पूछे गए थे, ज़्यादा नहीं पूछे, बट वेट ऑफ क्वेश्चंस आपका जो रहा था वो रिएक्ट जावास्क्रिप्ट से रहा था। अच्छा, और आपके ऐसे कुछ पास्ट इंटरव्यूज जो आपने प्रोसेस में मतलब दिए होंगे उसमें आपको ऐसा कभी लगा कि मतलब कंपनी भाई रिजेक्ट कर रही है कि भाई आप तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है, ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा है कि ऐसा नहीं करता? ये बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस रहा, जैसे मैंने कहा था कि पहले इंटरव्यू मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सो क्या है, मैं जैसे काफ़ी सोशल मीडिया ऐप है जैसे इंडीड है, लिंक्डइन है एंड Naukri.com है, वहाँ पर मैं काफ़ी लंबे समय से अप्लाई करता रहा था। बट वहाँ पर वही चीज़ है, कॉल आते बट वही चीज़ मांगते कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, वही चीज़ होता कि मैं एक्सपीरियंस नहीं, मेरा प्रेशर हो, सो वो कॉल कट कर देते, उसके आगे सुनते भी नहीं थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, आपके पास स्किल्स है, आप स्टार्ट करना चाहते हो, डजंट मैटर, मैं एक्सपीरियंस चाहिए था। तो ये चीज़ रही मेरे साथ, बट ठीक है फिर। तो जैसे जिसमें आप सिलेक्ट हुए वो इंटरव्यू प्रोसेस कैसे हुआ, मतलब वो आपको किसके थ्रू हुआ? मतलब ये जो हुआ था वो मुझे ओडेन स्कूल के थ्रू हुआ था। अच्छा, ओडेन स्कूल ने इस इंटरव्यू को अरेंज कराया था सारी चीज़ें और उनका काफ़ी सपोर्ट रहा था। तो आपका जैसे ये पूरा एक्सपीरियंस रहा है, आपने भाई इंटरव्यू ये दिए, तो उसमें आपको क्या लगा कि प्रोजेक्ट की एक क्या इंपॉर्टेंस रही है? मतलब जैसे आपने बताया कि आपने लॉग इन लॉग आउट पेज बनाया, तो प्रोजेक्ट्स क्या वेटेज रखते हैं एक पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में? इंटरव्यू प्रोसेस में प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं, क्योंकि अगर कंपनी आपको लेगी सिर्फ आपकी नॉलेज के बेसिस पर तो लेती ही लेती है, साथ में आप उसे प्रैक्टिकली कितना कर पा रहे हो वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत है, तो प्रोजेक्ट आपके वो प्रैक्टिकल्स हैं जो आप करोगे। सो मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट बनाए थे इसमें, जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट कम्प्लीट बनाया था जिसमें मैंने लॉग इन लॉग आउट पेज बनाया था। लॉग इन लॉग आउट पेज मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाया था, जिसमें लोकल स्टोरेज का यूज़ करके वो बनाया था, एंड उसको फिर मैंने एग्जैक्ट पेजों को रिलोकेट किया था कि अगर इस चीज़ पर क्लिक करेंगे तो देन यहाँ। फिर एक वेबसाइट बनाई उसमें लॉग इन लॉग आउट के पेज के बाद में, साइनअप पेज के बाद में एक वेबसाइट थी, वेबसाइट में पूरी रिस्पॉन्स वेबसाइट थी, तो काफ़ी उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी ये चीज़। और एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने म्यूज़िक प्लेयर बनाया था, वो अच्छा। भी काफ़ी अच्छा उन लोगों को समझ आया कि हाँ चलो ये चीज़ है, APIs वगैरह का यूज़ किया गया है, एंड स्वयं का खुद का API मैंने डेटाबेस क्रिएट किया, ये सारी चीज़ें मेरी रहती है सारी चीज़। ओके ओके, तो बहुत ही बढ़िया रहा, फिर आप सिलेक्ट भी हो गए एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। तो आपके पूरी जर्नी में आप क्या लर्निंग एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहेंगे हमारे जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं या जो लोग कॉलेज से पास आउट हो गए जिनके नॉन CSE बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो, तो उनको क्या आप शेयर करना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर आप चीज़ों को फील्ड को चेंज करके ग्रो करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई एज या आपका जो गैप होता है वो मैटर नहीं करता है। एक ये था कि मेरे ग्रेजुएशन के बाद में काफ़ी लंबा गैप हो गया दूसरी फील्ड में आने के लिए, तो ये मैटर नहीं करेगा। ये चीज़ मैंने अपने ओडन स्कूल से भी शेयर करी थी कि मेरा गैप लंबा है, कहीं मुझे परेशानी तो नहीं आएगी, मेरा बैकग्राउंड इससे नहीं है, कहीं परेशानी तो नहीं आएगी, बट उन्होंने काफ़ी हेल्प किया और मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती जब कहा जाता है, वही चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यदि वहाँ आप लोग भी सीखना चाहते हैं, अपने जॉब स्विच करना चाहते हैं, इंडस्ट्री पूरी चेंज करना चाहते हैं, तो रंजीत सर का एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया, इनने पूरी एंटायर भाई सब BSc मैथमेटिक्स फिर अनअकैडमी में ट्यूटर। तो थैंक यू सो मच रंजीत सर आने के लिए इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर।